सो गाइस आज की इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से अपने रियलमी के फ़ोन में डाटा स्पीड मीटर लगा सकते हैं अपने सेटिंग के थ्रू। ठीक है, अपने सेटिंग से ये कर सकते हैं। गाइस किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना है, आपका कोई भी फ़ोन हो रियलमी में चाहे रेडमी में कोई भी फ़ोन हो आप कर सकते हैं ये। मगर रियलमी का फ़ोन है, रियलमी में आपका है तो 100% ये आपका वर्क करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिए। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जैसे नेट यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको डाटा स्पीड दिखेगा, जितना स्पीड से नेट चलेगा, कितना MB बाकी है, सारे कुछ यहाँ पे आपको दिखता है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे नेट ऑफ करता हूँ गाइस, यहाँ पे डाटा स्पीड हट जाता है, यहाँ पे 0-0 कुछ भी नहीं रहता। सो गाइस आपका रियलमी में किसी भी फ़ोन है ना, रियलमी में किसी भी कंपनी का, तो आप इसको कर सकते हैं, अपना सेटिंग से कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना है। तो गाइस चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइस आपको सिंपल सा सेटिंग को ओपन कर लेना, आपके फ़ोन में सेटिंग जो रहता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग मिल चुका है मुझे। सिंपल सेटिंग को ओपन कर लीजिए। जैसे यहाँ पे सेटिंग को ओपन करता हूँ गाइस, तो आपको क्या करना है, सेटिंग ओपन करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस वार पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन एंड स्टेटस वार आपको कैसे भी करके यहाँ पे ढूंढ लेना है। अदरवाइज आपको नहीं मिल रहा तो गाइस यहाँ पे सर्च आइकन दिया हुआ है, आप सर्च भी कर सकते हैं, ऊपर में यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए नोटिफिकेशन एंड स्टेटस वार, नोटिफिकेशन सर्च कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट गाइस आप कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन एंड स्टेटस वार का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। रियलमी के हर फोन में ये रहता है, तो सिंपल से इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करते हो आपको ये कुछ स्टेप से नोटिफिकेशन एंड स्टेटस वार का ये ऑप्शन खुल चुका है गाइस। आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है। जैसे आप नीचे जाते हैं आपको यहाँ पर रियल टाइम नेटवर्क स्पीड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं रियल टाइम नेटवर्क स्पीड यहाँ पर मिल ही जाएगा अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं तो। ठीक है, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस वार पर आ जाते हैं तो आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो ऑप्शन रहेगा ना रियल टाइम नेटवर्क स्पीड का, ठीक है, ये ऑफ रहेगा, तो इसको गाइस सिंपल सा इसको ऑन कर लेना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑफ है, तो अभी नेटवर्क स्पीड यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं नेटवर्क स्पीड आ चुका है, 0-0 लिखा हुआ। और जैसे ऑन ऑफ करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ गाइस, जिससे आप इस वीडियो को फेक ना समझो, यहाँ पे ये हो रहा है। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।